विद्यार्थियों, आज यूरोप की पुनरुत्थानकालीन चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्ययुगीन इटली में जहाँ एक ओर राजनीतिक अस्थिरता थी, वहाँ दूसरी ओर व्यापार एवं कलाओं की बड़ी उन्नति हो रही थी। उत्तरी यूरोप की अपेक्षा इटली बहुत बड़ा समृद्ध देश था और पूर्वी देशों से रेशम तथा मसालों का व्यापार यहीं होकर शेष यूरोप में फैल रहा था। 15वीं सदी में व्यापार के अन्य मार्ग खुले। अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका सुवर्ण से स्पेन का राज कोश भर गया। अमेरिकी सुवर्ण से स्पेन का राजकोष भर गया। इससे इसने इटली की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित भी किया। इटली में पवित्र रोमन शासक का आधिपत्य था जो जर्मन थे, अतः वे इटली में प्रभावशाली शासन की स्थापना नहीं कर सके। स्थानीय पोप समय समय पर इनका विरोध करते थे। विदेशी शासन के विरोध के बावजूद इटलीवासी कभी एक होकर उनका सामना नहीं कर सके 15वीं सदी में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों में परस्पर युद्ध भी हुआ और जर्मन लोग आंतरिक उपद्रवों में उलझ गए। फ्रांस के चार्ल्स अष्टम ने इटली पर आक्रमण किया और 1527 में रोम का विध्वंस किया। फिर भी 15वीं सदी में कला की दृष्टि से इटली में स्वर्ण युग का सूत्रपात होता है। इन सब परिस्थितियों के कारण कला भी केवल कुछ नगरों में ही केंद्रित हो गई। दरबारी शान शौकत तथा राजकीय उत्सवों की भावना भव्यता में कलाकारों ने भी सहयोग दिया। सम्राट, राजकुमार तथा राजकीय अधिकारी कलाओं के संरक्षक एवं कलाकारों के आश्रयदाता भी बने। भाषा, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य में रुचि उत्पन्न हुई। प्राचीन संस्कृति के अध्ययन का प्रभाव भी तत्कालीन कलाओं पर पड़ा। श्रेष्ठ तथा सुसंस्कृत मनुष्य की भावना ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया और 15वीं सदी की इटली में सभी क्षेत्रों में फैशन का बोलबाला हो गया। पुनरुत्थान की कला और गोथिक कला में कुछ भेद अवश्य थे। गोथिक युग में भवन निर्माण की कला प्रधान थी। चित्र तथा मूर्ति का उपयोग केवल भवन की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। पुनरुत्थान काल में चित्र एवं मूर्ति का स्वतंत्र महत्व बना। ये केवल भवनों के अलंकरण में ही प्रयुक्त नहीं हुए, वरन स्वतंत्र रूप में भी सृजित किए गए। गोथिक युग में आकृतियाँ प्रायः छोटे आकारों में ही बनाई जाती थी, किंतु इस पुनरुत्थान कालीन कलाकारों ने विशाल आकृतियाँ बनाना आरंभ किया। गोथिक युग में आकृतियों की मुद्राएं, वस्त्रों की सिकुड़ने एवं सीमा रेखाएं आदि ऊपर की ओर जाती सी अंकित की जाती थी, किंतु रेनेसा में उनमें क्षतिज उत्पन्न की गई। इसका प्रधान कारण यह था कि गोथिक कला का उद्देश्य किसी दूसरे लोक की व्यंजना था।
था, जबकि पुनरुत्थानकालीन कलाकार इस भौतिक संसार को ही प्रस्तुत करना चाहते थे। गोथिक युग में रेखांकन एवं रंगों का अलग अलग महत्व न था, किंतु पुनरुत्थान काल में कलाकारों ने रेखांकन आदि को पृथक पृथक से देखा। इटली में पुनरुत्थान काल, इसी प्रकार पुनरुत्थान काल में के केंद्र बहुत अलग अलग रहे। विभिन्न केंद्रों में यहाँ की पुनरुत्थान कालीन कला का विकास हुआ और महत्वपूर्ण कई सारे ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपना इस कालीन कला में अपने इतिहास को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश करते हुए अपने नाम को और उजागर करने की कोशिश की है। इटली में पुनरुत्थान में है अनेक कलाकार अंतिम गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे। बनावटी संयम एवं सुरुचि के स्थान पर वे स्वाभाविक को अधिक महत्व देते थे। यहाँ के कलाकार संभवतः उन्होंने प्राचीन कला के बजाय अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवान्नी पिसानो से प्रेरणा ली। उसकी कलाकृतियों में नाटकीय मुद्राएं, गहरी काटी हुई अभिव्यंजना वेशभूषा तथा धरातली चिकनेपन का अभाव है, जो लोरेंजो गिबर्ती की शैली के ठीक विपरीत हैं। प्राचीन शास्त्रीय कला के स्थान पर मध्यकालीन कलाकारों से ही प्रेरणा ली। यह सच है कि चित्रकला की अपेक्षा शास्त्रीय मूर्तिकला एवं भवनों के अनेक अवशेष इन कलाकारों के सामने थे जिनसे ये प्राप्त प्रभावित हो रहे थे। यही कारण था कि ये कलाकार बार बार प्राचीन कला की अनुकृतियाँ भी प्रस्तुत करते रहते थे। भवनों के संबंध में ब्रुनेलेसी ने गणित एवं ज्यामितीय के जिन नियमों का प्रयोग किया था उनमें चित्रकला ने भी लाभ उठाया। इसके आधार पर चित्रों में व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य का विकास आरंभ हुआ था। 1435 ईस्वी में लियो ने बतिस्ता द्वारा अपने चित्रकला विषय ग्रंथ में किया गया। इन नियमों की सहायता से रिलीफ चित्रों में भी वास्तविक की अपेक्षा बहुत अधिक गहराई का भ्रम उत्पन्न किया जाने लगा। मध्यकालीन रिलीफ में यह विशेषता नहीं थी। इस समय का ख्याति प्राप्त चित्रकार मेसेचियो था। फ्लोरेंस की कला, यहाँ का प्रमुख चित्रकार फ्रा एंजेलिको था। अन्य चित्रकारों में फ्रा एंजेलिको बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसका वास्तविक नाम फ्रा जियोवानी दा फिसोल अथवा गुइदो दा पिएट्रो था। वह संत कलाकार कहा जाता है। वह ईसाई धर्म प्रचारक अधिकारी था, अतः उसने अपनी कला को धर्म के प्रचार में लगाया। अन्य चित्रकार में मेसेचियो था, जिसका जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था। आयु में वह बुर्लिशिले एवं डोनातेल्लो आदि से बहुत छोटा था। उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई इस विषय में विवाद है, किंतु उसने एक अन्य फ्लोरेंटाइन कलाकार मेसोलिनी के साथ अनेक चित्रों में कार्य किया था। मेसेचियो के दो अन्य चित्र भी विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक उपासना ग्रह की
वेदिका भी चित्र है। मैसेचू की कला का स्थान प्रकाश आकृति के घनत्व एवं परिप्रेक्ष्य संबंधी प्रभावों की दृष्टि से जियोतो के बहुत निकट थी। तत्कालीन शिल्पियों में कोई भी चित्रकार उसके समान कार्य नहीं कर रहा था। इसी से मैसेचियो को आधुनिक कला के जन्मदाताओं में से एक माना जाता है। मैसेचियो की शैली पूर्णतः यथार्थवादी एवं महान है। मैसेचियो की कला ने संपूर्ण रेनेसा को प्रभावित किया। बोत्तिचेल्ली, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजिलो जो चरम पुनरुत्थानवादी तथा राफेल चंद्र चरम पुनरुत्थानवादी जो कलाकार थे, उसके चित्रों की अनुकृतियाँ करके उसकी शैली का अध्ययन किया था। नियम विकसित किए थे उन्होंने। 400 वर्ष तक कला को प्रभावित किया अपने कला से। मध्यकाल में ईसाई धर्म के प्रचार के हेतु कला एक आवश्यक माध्यम बन चुकी थी, किंतु इसके द्वारा केवल कथाओं का ही चित्रण हो सका था, अमूर्त भावों का नहीं। पुनर्जागरण युग तक आते आते कला अमूर्त भावों की भाषा बनने लगी थी। अन्य साथी कलाकार हैं पाओलो उच्चेलो, एंड्रिया डेल कोस्टेग्नो, पायरो डेला फ्रांसेस्का, सांद्रो वत्तिचेली, वेरेजियो पेरुनिनो, लुका सिग्नोरेल्ली, डोमेनिको गिरलेंडियो आदि ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस काल की कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में अपन यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।